श्री साई बाबा मंदिर सेक्टर 7 रोहिणी में बाबा का भंडारा, बाबा की इच्छा और बाबा की कृपा से। हाँ लग गया, कोई बात नहीं, खीर का भी अभी लगा देंगे। पूरी आलू की सब्जी के बाद खीर का भी भंडारा बटेगा बाबा की इच्छा और कृपा से। आप देख सकते हैं भक्तों की, भैया जूठा कोई नहीं छोड़ेगा, जितना लेना उतना लेना, जूठा नहीं छोड़ना, ठीक है, बार बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जूठा नहीं छोड़ना। ये बाबा का मंदिर है, सामने आप देख सकते हैं साई बाबा मंदिर सेक्टर 7 रोहिणी के बाहर बाबा का भंडारा, पूरी आलू की सब्जी जैसा कि बताया गया था। लाइन से आंटी जी पीछे से आ जाइए, बन जाएगा, लाइन से आइए। लाइन से मिलेगा सबको, मिलेगा, लाइन से आ जाओ, सबको मिलेगा। चलो दोबारा आ जाइए। ये बाबा की ही कृपा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि बाबा की इच्छा और बाबा की आज्ञा है कि आज हम रोहिणी में बाबा का भंडारा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा की इच्छा और आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा के मंदिर के बिल्कुल बाहर है ये एंट्रेंस है बाबा के मंदिर की, और उसके बिल्कुल बाहर ही बाबा का भंडारा वितरण हो रहा है। ये हमारे विजय भाई बाबा के भंडारे की सेवा करते हुए SSSI के मेंबर, और दिल से ये सेवा करते हैं, और दिल से SSSI बाबा के पेज और बाबा की सेवा से जुड़े हैं। जिन्होंने ले लिया आगे बढ़ते रहिए। जूठा नहीं छोड़ना, प्रसाद जूठा मत छोड़िएगा। भैया पहले ये खा लो, दोबारा ले लो, जूठा मत छोड़ना, दोबारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में खाइए, साइड में खाओ।
और आप सभी साईं भक्तों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी के योगदान से ही बाबा का ये भंडारा है और बाबा की कृपा से ही बाबा का भंडारा है। यह आप सभी की सेवा है जो आज आप सभी की सेवाओं से और बाबा की कृपा से बाबा का भंडारा साईं बाबा मंदिर सेक्टर 7 रोहिणी में वितरण हो रहा है महाशिवरात्रि के दिन। आज भोले बाबा का दिन यानी कि महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन बाबा का भंडारा वितरण किया जा रहा है एहसास साईं द्वारा भिक्षाम देह ग्रुप से। भैया साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, पूड़ी आलू की सब्जी के बाद खीर का भंडारा भी बटेगा बाबा की कृपा से। चलो चलो बेटा, लाइन से पीछे पीछे मिलेगा आपको, सबको मिलेगा, बहुत है बहुत है। ये खा लो, दोबारा मिल जाएगा, खा लो, जूठा नहीं छोड़ना। आप सभी बाबा के प्रसाद के दर्शन कर रहे हैं और ये बाबा के बिल्कुल मंदिर के बाहर है, साईं बाबा मंदिर सेक्टर 7 रोहिणी के बिल्कुल बाहर बाबा का भंडारा एहसास साईं द्वारा तृतीय भंडारा यानी कि तीसरा भंडारा बाबा की इच्छा और कृपा से किया गया है। और आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद है कि आपने बाबा के भंडारे के लिए जो योगदान दिया है, ये आप सभी की सेवा है। और वो कहते हैं ना, ना जाने किस पल बाबा खुद ग्रहण करने भंडारा आ जाए, तो हो सकता है आज शायद मेरा ये दिल कह रहा है कि बाबा भी आज भंडारा ग्रहण करेंगे। और अभी कुछ ही देर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री साई रतन राजेश जी अभी बस पहुँच रहे हैं बाबा के भंडारा सेवा में, क्योंकि जैसा सभी को बताया गया था कि जो दिल्ली के निवासी हैं वो ज़रूर यहाँ पर सेवा करने आ सकते हैं, वो खुद भंडारा बांटने आ सकते हैं। तो भैया अभी आ ही रहे हैं और साई रतन राजेश जी को आप सभी जानते हैं, बाबा की बहुत खूबसूरत वो भैया पेंटिंग बनाते हैं और मैं तो वैसे भी भैया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनकी पेंटिंग्स का, कि भैया बहुत 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 ही अच्छी पेंटिंग्स बाबा की बनाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बाबा की अभी बोल उठेंगे, जूठा नहीं, जूठा में नहीं, नया डोना लीजिए, जूठे में नहीं होगा। प्लेट नहीं है, जूठा कोई नहीं छोड़ेगा। आप सब ले लो, जूठा नहीं छोड़ना, ठीक है। दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, अभी खीर का प्रसाद भी बटेगा, दोबारा आ जाओ। एक भी कर दिया, जूठा नहीं छोड़ना। अंकल तो पूरी देना। भाई जी लाइन से आ जाओ, मिल जाएगी आपको। कौन मंगा रहे? अच्छा, अरे इनको दे दो। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहना, चलते रहो। मिल गया वो, आ जाओ आ जाओ, दोबारा आ जाओ ना। चलो 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 चलो, बच्चा खिला दो तो ये सही। आप इतना खाइए, उसके बाद दोबारा आ जाइए। जूठा कोई नहीं छोड़ेगा, भंडारा पूरा खत्म करेंगे, प्रसाद आइए। पैकिंग नहीं होगा आप, नहीं पैकिंग, लाइन से लगा। अरे बाकियों के लिए कम पड़ जाता है, कोई बात नहीं, हम सब्जी बच भी जाएगी, हम सब्जी बांट देंगे, वो भी प्रसाद है। नहीं,
आप सभी को बता दूं कि हम भंडारा सेवा बाबा की कृपा से करते हैं, लेकिन हम किसी के भंडारा पैक नहीं करते। पैकिंग हमने बिल्कुल बंद कर रखी है, क्योंकि पैकिंग से आप ये मान लीजिए कि अगर हम पैकिंग कर देंगे तो ऐसे बहुत से डिवोटीज हैं जिनको भंडारा नहीं मिल पाएगा। तो पैकिंग पूरी तरह से बंद है बिल्कुल भी, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ, मैं भी पैक नहीं करूँगा। मुझे भी यहीं खाना है तो मैं यहीं खाऊँगा। भंडारा पैक नहीं होगा, भंडारा सबको एक समान मिलेगा। यहाँ पे कोई अपना नहीं है, यहाँ पे सब बाबा के डिवोटीज हैं। लाइन में लग जाइए, ज़्यादा लाइन नहीं है, मिल जाएगा। तरसते हैं हम बाबा के भंडारे को कि बाबा का भंडारा हमें मिले, प्रसाद मिले बाबा का, ये बाबा की ही कृपा है। और जो भी बाबा के भंडारे सेवा से जुड़ना चाहता है वो 9999002962 पर मुझे मैसेज कर सकता है। और 101 रुपये की सेवा राशि है, आप ये सेवा दे सकते हैं। और आपके सामने ये भंडारा हम ऐसे ही हर बार लाइव करते हैं, और ये तृतीय भंडारा बाबा की कृपा से एहसास साईं द्वारा और भिक्षाम दही द्वारा किया जा रहा है। और अगर आप सेवा नहीं भी दे सकते, अगर आप सेवा नहीं देना चाहते, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप अपने ही एरिया में 101 रुपये का किसी को भोजन करवा दीजिए, और बाकी आपकी जितनी श्रद्धा है आप उनको भी भोजन करवा दीजिए। चाहे आप हमें मत दीजिए वो सेवा, लेकिन आप भोजन करवा दीजिए किसी को, वो भी एक भंडारा है हमारे लिए। क्योंकि हमें सेवा से मतलब है, हमें कलेक्शन से मतलब नहीं है, हमें बाबा के भंडारे से मतलब है। बेटा लाइन से आ रहा, लाइन से आ रहा, आपको मिलेगा, लाइन बहुत है, लाइन से आ रहा। एक और दो, चार दो, या दो दो, या निकाल दो, या दो दो, या फिर दो निकाल दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई दो भी बहुत है, कोई बात नहीं, दो ही दे दो चाहे। नहीं नहीं, चार लो आप, कोई बात नहीं। चल भाई, चलो चलो चलो, हो गया हो गया हो गया। वेस्ट नहीं करना, पूरा खाना है। लाइन से आ जाइए। देखिए ज़्यादा लाइन नहीं है, आप बहुत पड़ा आपके सामने है, क्योंकि पीछे भी लोग लगे हुए हैं, वो भी इंतज़ार में है। एहसास साईं द्वारा बाबा का भंडारा साईं बाबा मंदिर सेक्टर 7 रोहिणी में किया जा रहा है। लाइन में बेटा, लाइन में आ रही है। अच्छा आ रही है, यहाँ देखिए। बेटा लाइन से मिलेगा, सब लाइन से मिलेगा। यदि दो खाने हैं तो दो ही लेना, झूठा कोई नहीं छोड़ेगा। ढूंढे 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 लग गई।
चलो निकल के जाओ ढेर मत लगाओ। चलिए 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 मत खाइए, आगे खाइए आराम से। चलो चलो आगे बढ़ो, सबको मिलेगा, आराम से खाइए। चलते रहो दोबारा आता ना, मिल जाएगा आपको। अभी खीर का प्रसाद भी है। चलो दो दो दो, चलो चलो चलो, अरे और ले लेना भाई, अभी बहुत बड़ा हुआ है, वो सुनते आसान कर रहे हैं। अरे पता है वेस्ट होता है, ऐसे आधी पूरी नीचे गिरी होती है वो। हमारी तो यही कोशिश है, और आप सब भक्तों से भी मैं यही जाहिर करना चाहता हूँ कि कोई भी भूखा ना रहे। बाबा का एक बहुत ही प्यारा भजन है, वो मैं आपको गाकर तो नहीं मैं, लेकिन ऐसे बता सकता हूँ। वो भजन की लाइंस जो हैं कि साईं इतना दीजिए जो आंचल में समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु ना भूखा जाए, जपो साईं राम। ये बहुत ही प्यारा भजन है बाबा का। चलो चलो हो गया, दोबारा आना, दोबारा आना। अभी आप आए थे, अभी आप आए थे, ऐसे में और दूंगा में आना। आप सभी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि जैसे बाबा की कृपा से भंडारा बढ़ रहा है, आप भी ऐसे ही कुछ सेवा करते रहिए, आप भी बाबा का भंडारा बांटिए। क्योंकि ये नहीं कि हम बांट रहे हैं तो आप, ये नहीं कि अगर हम बांट रहे हैं तो आप भी इसको बांट सकते हैं, क्योंकि सेवा सेवा है, कोई भी कर सकता है। सब्जी का अंकल फ्री ले लो, सब्जी लीजिए ना, सब्जी लीजिए, सब्जी आए तो हाल ले जाओ, सब्जी लो। ये तो नहीं, चलो चलो दोबारा आ जाओ यार, लाइन है ही नहीं, लाइन का दोबारा आ जाओ। और क्या, अभी खीर भी है, खीर भी खानी है। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि जब भी अगर आप बाबा का भंडारा बांटते हैं तो सभी से प्यार से पेश आइए, क्योंकि देखिए ये बाबा का जो भंडारा, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जब बाबा का भंडारा वितरण होता है तो बहुत कोई लोग गुस्से से कहते हैं कि आगे जाओ आगे जाओ, तो इस तरीके से मत उनसे आप पेश आइएगा। सबको प्यार से कहिए कि आप दोबारा ले लीजिए या आप दोबारा आ जाइए।
आगे कुछ नहीं, पूरी सब्जी ना, पूरी सब्जी आगे कुछ नहीं मिलेगा जी। पूरी सब्जी लो, सब्जी लीजिए ना, सब्जी सब्जी पहले सब्जी लीजिए, फिर उसके बाद पूरी मिल जाएगी आपको सबके लिए। ये ले, आइए आइए, जिन्होंने ले लिया दो दो मिलेगा सबको, दो दो मिलेगा, दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, अभी नहीं है, जूठा मत छोड़िएगा, जितनी मर्जी पूरी ले लीजिए, जूठा मत छोड़िए, जूठा कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है, पहले ये खाओ उसके बाद दोबारा दो। जूठा कोई नहीं छोड़ेगा आपको, नहीं सबको कह रहे हम, तो मैडम कहने की गुण है, कहने का मतलब है कि झूठा नहीं छोड़ना, फिर बार बार उठाने आएंगे हम मांगने ना, हम तो ये कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, ये तो अपने को ले रहे हैं, भेजूं कहाँ से, आपका हाथ कैसे पे हो, ऐसा ऐसा सर्च करना उसमें आ जाएगा, हाँ रुको, ये बाबा की बेटी है, बाबा के बच्चे हैं ये, और बहुत खुशी है कि बाबा का भंडारा बट रहा है। झूठा कोई नहीं छोड़ेगा, ऐसे कैसे बिना सब्जी के पूरी खाओ, ज़्यादा पहले वो खाओ, अरे सब बना दिया, पूरा अंदर मंदिर हो गया है, सब बना पैकिंग नहीं होगी आंटी जी, पैकिंग नहीं, पैकिंग हो रहा है, आप दोनों में ले लीजिए, दो बार ले लीजिए, पैकिंग नहीं होगी, आप पकड़ेंगे सोने के डोने आ गए।
ये बाबा के मंदिर के बाहर की रौनक है, आप देख सकते हैं बाबा का भंडारा इतना ज़्यादा है, भक्त कम हो गया भंडारा ज़्यादा है। ये बाबा की कृपा है कि बाबा भंडारा कभी ख़त्म नहीं होने देते, यानी कि जितना हम सोचते हैं बाबा उससे बढ़कर भंडारा बनवा देते हैं। शिरडी में भी ऐसा ही हुआ था कि दो टाइम बाबा का भंडारा बटा था, दोपहर को और शाम को, और इस बार भी बाबा की कृपा से आप देख सकते हैं। आप पकड़ लीजिए वो गिर जाएगा। झूठा कोई नहीं छोड़ेगा। झूठा कोई नहीं छोड़ेगा। पैकिंग नहीं होगी, पैकिंग नहीं होगी, डोने में ले लो, चार डोने ले लो, मना नहीं कर रहे, पैकिंग नहीं होगी, हम खुद पैक नहीं कर रहे, हम अपने नहीं लेके जा रहे, हम यहीं पे खाएंगे आपके सामने। जयराम बेटा, दोबारा जाना, दोबारा जाना, आप दोबारा भी भंडारा ले सकते हैं, जिनको दो दो पूड़ी मिले वो दोबारा भी आके ले सकते हैं भंडारा, ऐसा नहीं कि आप एक बार लेंगे दोबारा भी ले सकते हैं। भंडारा सभी के लिए, बार बार आके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठा नहीं करना और फेंकना नहीं है कहीं। झूठा मत छोड़िएगा कोई भी, भंडारा पूरा खाइएगा, दो मिलेंगे दोबारा आ जाओ। पूरी दबी है, कह रहे पूरी नीचे दबी हुई है, दबी है ना पूरी सारी, देख लो हो जाएगा चार का, और चार चार पूरी दो, चार 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 पूरी दो, नहीं तो सब्जी देख लो ना, कह रहा हूँ हो जाएगी, ठीक है दो चार दो चलाते आप ही देख रहे हैं क्या क्या, आगे में पांच पांच ऐसे कर देंगे, देख लो चार चार दो 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 भैया, झूठा मत छोड़ना, चलो 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 आजा प्रसाद,
झूठा कोई नहीं छोड़ेगा। चल तेरी दोबारा आ जितने मर्जी बार झूठा कोई नहीं छोड़ेगा, पूरा खत्म करेगा भंडारा। सभी को दो ही देने बांटो बांटो खीर झूठा नहीं छोड़ेगा कोई। झूठा नहीं छोड़ना ठीक है। और खत्म हो जाएगी दोबारा आ जाना और मिल जाएगी दोबारा तो चलते रहो। झूठा नहीं छोड़ना पर भैया जी ये खा लो दोबारा आ जाओ। दो मिलेंगे दोबारा आ जाओ। दो बड़े को तो चार दे दो मेरी तरफ से। ले ले भाई ले जाओ यार दो और खाएगा मालिक दोबारा नहीं आएंगे। झूठा नहीं छोड़ना आंटी जी लाइन से आ रही है। दे दो लाइन से लगो ना फिर क्या दिक्कत है। ज़्यादा लाइन से लग जा भाई ज़्यादा लाइन थोड़ी है। सब्जी दे दो आप ले लेंगे ले लेंगे सब्जी उस्ताद जी उस्ताद जी हेलो सब्जी दे दो आप कुछ भी करेंगे आप कुछ भी करेंगे हो जाएगा। सब्जी और पूड़ी अच्छी मतलब लेवल का बढ़ जाएगा। आजा प्रसाद
निकालना तुम्हारे लिए। अच्छा था निकाल दस पूड़ी निकाल देना। कितना आपको? सोच ही रहा हूँ। और सर फिर भी नहीं निकालनी पड़ेगी। अरे कुछ चाहे कुछ ले जाइए। जब बना है जब है तो मम्मी खाना क्या मम्मी खाना क्या जब बाबा का भंडारा सासा साईं द्वारा और भिक्षाम दाई ग्रुप के द्वारा आज साई बाबा मंदिर सेक्टर 7 रोहिणी में बांटा जा रहा है। शुक्रिया करते हैं हम बाबा का और आप सभी साइंटी बोटिस का जिन्होंने बाबा के भंडारे में योगदान दिया है अपना। आप देख सकते हैं बाबा का भंडारा ठीक शाम को 5 बजे बटना शुरू हो चुका था समय के मुताबिक। और हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि भंडारा कितने घंटे तक बटे, हमें इससे मतलब है कि बाबा की इच्छा तक बटे। दोबारा आ जाओ, दोबारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 10 बार आओ। दे दो, कोई बात नहीं। पैकिंग नहीं है भाई, पैकिंग नहीं होगी, पन्नी में नहीं देंगे। साईं दयालु साईं अभी बाबा की पूड़ी और आलू के बाद खीर का बाबा का प्रसाद बांटा जाएगा। आज महाशिवरात्रि है। लाइन से खीर का प्रसाद अभी थोड़ी देर बाद बांटा जाएगा, वो भी मैं हम आपको लाइव दिखाएंगे। हम भी लाइव कर दे भाई, क्यों डर क्यों क्यों घर वाले बोले तू गए कहाँ था, लाइव तेरी फोटो आई है भी नहीं आई है। आप पीछे मिलेगा सब दोनों में मिलेगा आपको। अच्छा चलिए चलो आजा प्रसाद बैग नहीं होगा भैया, बैग नहीं है। हाँ जी हाँ जी मिल जाएगी। मना कर दिया बस, खाने के लिए मना नहीं है। खाने के लिए 10 बार खाओ, पैकिंग नहीं होगी। पैकिंग के लिए आप 10 बार आ रहा हूँ, 4 साल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैकिंग नहीं होगी। नहीं, पन्नी में नहीं डलेगा, पैकिंग नहीं होगा। 2-4 और दोबारा आ जाओ। हो गया इसे कैसे उठाओगे? हाँ जी थोड़ी ज्यादा ये ले लो, दोबारा लो, दो मिल सबको, दो मिल गया। तीन तो देते भी नहीं, कोई बात नहीं, चलो लो भाई, दो ही थी आगे, 3 देने पड़े 4।
इनको डेट में उठाना है भाई, इतना कंट्रोल कर। सरम अभी सरम भैया ग्लव्स नहीं, इन्होंने किया था। हाँ जी आप कराओ ना पैक। हाँ होगी होगी, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं बाबू, आप बाटिए ना। अरे आप बाटिए बाटिए। इनके फोन से थे क्या हो गया? आप भी बैठो, आप भी बैठो। अभी बाटा के समय उसके बाद फ्लाइट के अभी खेल भी है। Thank you.
भाई साहब तीन कभी नहीं देते, या तो एक निकाल लो। हाँ या तो एक निकाल लो, तीन नहीं देते कभी, एक निकाल लो। जो भूख थी इनकी तो क्या करें, बरसात में भी है। मैं पाप से कब चलूँ क्या? ओए मैं आपसे कब चलूँ? वाला कब तक था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो चलिए पूड़ी और आलू का प्रसाद अभी बटा है, और अभी थोड़ी देर बाद खीर का प्रसाद बटेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब देख चुके होंगे कि हमारे बड़े भैया साई रतन राजेश जी पहुँच चुके हैं, बाबा का भंडारा वितरण कर रहे हैं, और अभी कुछ ही देर में खीर का भंडारा बटेगा, वो भी हम लाइव करेंगे आपको। तब तक के लिए आप 5-10 मिनट का वेट करिए, 10 मिनट बाद हम फिर लाइव होंगे खीर के प्रसादम के साथ। ओम साईं राम।